दोस्तों नमस्कार। बहुत 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 अच्छा लग रहा है आज। धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। जो प्यार आप लोग दे रहे हो बयान नहीं किया जा सकता, इसको ना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे पास, मेरे पास स्पेशली वो वर्ड नहीं है। आज क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के साथ रूबरू होने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। सभी लोग जानते हो आज मेरा बर्थडे है। ऑन पैसे में आने के बाद ये मेरा तीसरा बर्थडे ऑन पैसे में आने के बाद। बट एक्चुअल में मानूं तो ऑन पैसे के बाद ये मेरा फोर्थ या फिफ्थ बर्थडे में मान सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पे जाके वापस आया हूँ आप लोगों से छुपा नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है। अगर आज कोई मेरे से पूछे ना कि ऑन बेसिव क्या है, मेरे पास वो शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। एक्चुअल में ऑन बेसिव क्या है? ऑन बेसिव सिर्फ और सिर्फ एक वो जरिया नहीं है कि जिसके माध्यम से हमें पैसा कमाना है। ऑन पैसे एक बिजनेस नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सोचते हैं या सोचें, ठीक है, किसी को भी उतार के आगे बढ़ने के बारे में सोचें, ऐसा नहीं है। ये ऑन पैसिव नहीं कहता। ऑन पैसिव एक्चुअल में, रियल में एक ह्यूमैनिटी के लिए जो एस सर ने एक सोच के साथ जिसको बनाया था ना दोस्तों, ये उससे बहुत आगे निकल चुका है आज। और यस, आज हम वो चीज़ फील कर पा रहे हैं, हर कोई फील कर पा रहा है। एंड आज ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे इस मेरे बर्थडे पे, क्योंकि लास्ट नाइट से लेके कितनी विश, कितनी प्रेयर, कितनी विशेज हैं। मैं काफ़ी बार सोच रहा था ये कि मैं किस किस का मैसेज का जवाब दूँ, किसका ना दूँ। कुछ ऐसा फील होता है किसी ने काफ़ी लंबा मैसेज लिखा है, बहुत अच्छा लिखा, कि उसके बारे में ज़रूर कमेंट करूँ या लिखूँ, नो, हिम्मत नहीं होती, उंगली नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्सन को मैं रिप्लाई दूंगा तो दूसरे भी मेरे लिए सेम ही है। मेरे लिए ये एक परिवार है, ये एक फैमिली है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जिसकी टीम बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, वो भी, और जिसकी कोई भी टीम नहीं है, जिसने कुछ भी नहीं किया, वो भी। सो दोस्तों, बस इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद या मेन मेरा मतलब यही था कि मैं आप लोगों से दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं एक एक बंदे का जवाब नहीं दे पा रहा, रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि मोर देन 5000 से ज़्यादा, इवन रात से लेके अभी तक 8000 से ज़्यादा अभी तक जो मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस, उसके अलावा अदर देन मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, जैसे टेलीग्राम्स हैं, ठीक है, या उसके अलावा लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट इतने मैसेज, इतना प्यार ये जो आप दे रहे हो, मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो। प्लीज़ 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 ऐसा मत समझिएगा, ठीक है, कि आपकी विश की वैल्यू नहीं है। बहुत बहुत मायने रखती हैं आपकी छोटी से छोटी विश, बड़ी से बड़ी विश। वो प्यार, वो मैं फील करता हूँ कि यस, जो मैंने किया था या जो मैंने किया है, आज मुझे फील होता है कि यस, वाकई में वो मैंने इस सोसाइटी के लिए, मैं कुछ ना कुछ अच्छा करने में कामयाब हुआ हूँ। सो आप लोगों से यही दरख्वास्त है, यही इल्तिजा है, यही प्यार भरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, ये प्यार ही लेके जाना है। आज जैसे आप सभी लोग मुझे प्यार दे रहे हो, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें, ये प्रेयर, ये विशेस, ये लव, ये रिस्पेक्ट आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि हर एक पर्सन का कोई ना कोई, हर पर्सन का जैसे कोई ना कोई रोल मॉडल्स होता है, तो आप लोगों के रोल मॉडल्स या जो लोग आपको फॉलो करते हैं, चाहे वो दो लोग हैं, पांच लोग हैं, दस लोग हैं, तो डेफिनेटली ब्रदर,
मेरा भाई है चाहे मेरी बहन इसको सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में यही प्यार यही रिस्पेक्ट देंगे जो आप लोग मुझे दे रहे हो। सो थैंक यू दोस्तों। एंड यस, आज के दिन मैं एक चीज़ और बोलनी चाहता हूँ। मैं बहुत कम मेरे माता पिता के बारे में बोलता हूँ, मेरी फैमिली के बारे में। आज बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ, इस धरती पे हूँ, और उनके संस्कारों की वजह से आज मैं इतना कर पाया हूँ। सो ये उनके लिए मैं जितना कर पाऊँ मेरी ज़िंदगी में बहुत कम रहेगा। सो थैंक यू माई मदर फादर, मम्मी पापा, जितने भी मेरे चाहने वाले, जितने भी मुझे प्यार करते हैं, जितने भी रिस्पेक्ट देते हैं। आप लोगों के द्वारा किया गया एक एक विश मेरे लिए मायने रखता है। सो यही चीज़ें जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, अगेन एंड अगेन स्टैंड करती हैं। कभी भी हम गिर जाते हैं, डगमगा जाते हैं, हार जाते हैं, ऐसा फील होता है। तो दोस्तों लव यू दिल से, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू दोस्त, लव यू।